जैसे आप सुने होंगे जनरली कि अगर पूरे आम के पेटी में एक आम अगर खराब रहे तो पूरे आम को सड़ाने की क्षमता रखता है, लेकिन यदि एक आम खराब है और पूरे आम बेस है तो पूरा के पूरा आम बेस वाला उस खराब आम को सड़ाने की बेस करने की क्षमता नहीं रखता है। इसीलिए लाइफ का भी एक फंडा है, अगर आपके लाइफ में किसी खराब व्यक्ति का एंट्री हो गया है तो आप भूल जाइए कि आप अच्छा है तो उसको सुधार सकते हैं, वो खराब है तो आपको बिगाड़ देगा, आप उसको सुधार नहीं सकते। इसीलिए इस चीज को आप समझिए और अपने लाइफ से उसको हटा दीजिए। जो खराब चीज है आप उसको हटा दीजिए, नहीं तो आप उसके चक्कर में रह जाइएगा तो आप जाहिर सी बात है कि खराब हो जाओ, ठीक है। तो इसीलिए अगर किसी भी संगति में या किसी भी ग्रुप में अगर कोई व्यक्ति खराब है तो आप कोशिश कीजिए कि उस व्यक्ति को हम निकाल करके बाहर कर, नहीं कि दोस्ती यारी या इमोशनली है बहुत उसके से तो वो सब गड़बड़ है। जैसे याद कीजिए कि सबसे ज्यादा लड़कियों के पास एक बेहतर हथियार होता है इमोशन, अगर तू उसको कुछ मनाना है कुछ कर रही है तो उसको मार उड़ दिया तोरा कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन रो कान करके इमोशनली आपको मना ही लेगी, आपको थेथर बने पड़ेगा, थेथर थेथर समझ में आ रहा है, हम बोल चाहे ढीक रोबी थे रोबी तेरा ना खोजो मैं तो रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो आप इमोशन के चक्कर में कभी नहीं पड़े, इमोशन होना आपका मतलब लाइफ कैंसर कर सकता है, मतलब इमोशन एक तरह का कैंसर है, कैंसर। इसीलिए इस चीजों से आप बचिए, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आपको अगर कोई रो कान के अगर गा करके सुना दे कि मम्मी ना देखाओ रोबे लगे पैसा वैसा तो आप रोने दीजिए उसको, छोड़ दीजिए, कितना देरी होगी, चार मिनट आठ मिनट तो खेजे कह देगी। आप समझिए यहाँ पर देखिएगा ना, तो इस चीज को समझिए।